हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से, देखो, फर्स्ट ग्रेड या फिर अपन कहें आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली स्कूल लेक्चरर जो पोस्ट है उसके बारे में, खास तौर से बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके रेगुलर जो कमेंट्स हैं वो इस टाइप से पूछे जा रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड की जो प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि देखो अभी तो फॉर्म निकले भी नहीं है 2023 के लास्ट तक के, या फिर आचार संहिता के लास्ट तक अपन कहें 2024 के स्टार्टिंग में मे बी पॉसिबल कि इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो इनकी जो ज्वाइनिंग है 2022 के जो फर्स्ट ग्रेड हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग कम्प्लीट हुई है और चल भी रही है काफ़ी स्टूडेंट्स की। तो पहले तो वो अपन देख लेते हैं कि आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड जो बायोलॉजी का पेपर होता है या बायोलॉजी की एग्ज़ाम होती है जिसे अपन स्कूल लेक्चर के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें सिलेबस के बारे में तो मैंने लास्ट वीडियो में है वो डिस्कस कर लिया था और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सिलेबस पेपर पैटर्न है, सिलेबस है, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेजुएशन लेवल का आता है स्टार्टिंग, तो देखो सीनियर लेवल का आता है मतलब 11th 12th का, उसके बाद में ग्रेजुएशन और उसके बाद में पीजी, तीन लेवल का इसके अंदर सिलेबस में मेंशन किया गया है। और दो पेपर होते हैं, एक जीके का पेपर होता है और दूसरा आपका सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट में अपन देखें तो आपको केवल क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी में इसमें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे सिलेबस में अपन देखें यहाँ पर सिलेबस में देखिए कितने पार्ट में है, तीन पार्ट में है, पार्ट फर्स्ट में आपको केवल जो 11th 12th है उसके बेसिस पे पढ़ना है आपको, ट्वेल्थ लेवल, इस लेवल का आपको सिलेबस पढ़ना है जो सिलेबस के अंदर मेंशन भी किया गया है। सेकंड पार्ट अपन देखें यहां पर, इसमें आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है या फिर जो बीएससी है उसका लेवल का आएगा, बीएससी लेवल, इसमें भी इसकी मार्क्स है वो फिक्स किए गए हैं, ठीक है, 55 क्वेश्चन के आसपास इसमें दिए गए हैं तो आप लोग देख लेना। और पार्ट सी में अपन देखें या पार्ट थर्ड अपन देखें तो ये आपका जो पीजी लेवल का है वो सिलेबस दिए गए हैं, तो इसमें कुछ एडवांस जो टेक्निक्स है क्या देखा गया है, इसमें केवल टेक्निक्स का जो पोर्शन है खास तौर से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से लेकर आपकी क्रोमेटोग्राफी है और भी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सभी इसके अंदर मेंशन की गई है, ठीक है। अब अपन आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा खास तौर से कि बेस्ट बुक्स की लिस्ट कौन सी है या कौन से बुक्स को आप फॉलो करो, हालांकि मैंने भी किया था और अपने मैंने एक्सपीरियंस है, काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस लास्ट वीडियो के अंदर शेयर किया भी था, आप लोगों को बताया भी था कि इस मेथड से आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हो ताकि आपका फर्स्ट जो चांस है उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो सके। हालांकि अभी अपन बेस्ट बुक्स के लिए देख लेते हैं, तो लास्ट तक आप लोग वीडियो के ऊपर ज़रूर जुड़े रहें ताकि आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले क्लियर हो। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले सबसे बेस्ट जो है आपको ये पार्ट कवर करना जरूरी है, पार्ट फर्स्ट में 11 ट्वेल्थ का दिया गया है लेवल, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की बुक्स है, ठीक है, केवल बायोलॉजी की कौन सी 11th एंड 12th क्लास की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ सकते हो आप, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो गाइड है वो भी आती है, खास तौर से जो एक्सीलेंट है, ठीक है ना, एक मैं आपको एग्जांपल दिखा भी देता हूं, तो यहां पर आप लोग पहले अपन देखें 11th क्लास के लिए, खास तौर से देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये एक गाइड के रूप में आती है जिसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर चीज़ इसमें मेंशन की गई है, तो आप इस प्रकार की गाइड भी लेकर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है उसमें क्या होता है लिमिटेड मटेरियल होता है, उसके ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डिटेल्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, लाइन टू लाइन होता है एनसीईआरटी में। लेकिन इस प्रकार की जो गाइड आती है, इस गाइड में आप देखो ये 11th की है और सक्सेस गाइड के नाम से है, यहाँ पर आप देखोगे
जैसे ये अपने इंग्लिश मीडियम की है, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे स्टार्टिंग में आप कोई भी चैप्टर खोलोगे तो चैप्टर में पहले एक माइंड मैप से इस प्रकार से दिया गया है, उस चैप्टर में कौन से चीज़ें हैं उनसे रिगार्डिंग आपको पूरा जो माइंड सेट है वो यहाँ पर आप इसको कर सकते हो। और फिर जो एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई है उसी को डिटेल्स में इसमें दिया गया है, ठीक है। इसमें इतने क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं तो वो भी आप साथ साथ में सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हिंदी में देख लेना, ये थोड़ा सा हिंदी में दिखाता हूँ आपको, एक 12th लेवल की। ये देखो एक्सीलेंट की जो बुक है ये संजीव की है, तो एक्सीलेंट की बुक ज़्यादा अच्छी है, संजीव की भी अच्छी है हालांकि। तो यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से इसमें हर एग्जाम्पल हर चीज़ इसमें दी गई है, इस प्रकार की चीज़ भी आप ले सकते हो अच्छा पढ़ने के लिए। जैसे मान लो ये दिया गया है तो यहाँ पर ये देखिए अपन पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन जैसे लाइक एज द सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर छोटे छोटे चीज़ें देखो एकदम हर चीज़ लाइन टू लाइन इसमें भी दी गई है। एनसीईआरटी से कुछ आपको डिटेल्स ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है, डायग्राम भी ज़्यादा मिल जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें भी ज़्यादा मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप हिंदी में जो स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ना चाहता है वो भी यहाँ से आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये देखो इसी चैप्टर की पूरी डिटेल्स इसमें दी गई है। एनसीईआरटी में देखोगे तो इतनी डिटेल्स आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स देखो यहाँ तक मिल जाती है, हर चीज़ें, हर डायग्राम, हर चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ से इस प्रकार की गाइड भी अगर आप लेते हो तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और बेसिक नॉलेज आपका एनसीईआरटी लेवल का जो नॉलेज है वो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन देखें एक और होगा, जैसे ये मैं बताया था अभी एक्सीलेंट का 11th के अंदर, तो यहाँ पर ये भी कुछ इस प्रकार से गाइड आती है कि इसमें भी हर चीज़ आपको छोटे छोटे चीज़ पूरा देखने को मिलेगा। आप इनको भी आप डेली रिवाइज करोगे इसको, तो एक दो बार इसको रिवाइज निकाल लोगे तो बस बहुत है, एनसीईआरटी का इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो एनसीईआरटी का इस प्रकार की गाइड आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अब एनसीईआरटी का एक तो मैंने आपको ये जो गाइड है, ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें तो मैंने पहले भी बताया है एनसीईआरटी लेवल को क्लियर करने के लिए या फिर बीएससी लेवल की क्लियर करने के लिए इन दोनों को, इस दोनों पार्ट को क्लियर करने के लिए आपको जो पीएमटी या नीट के जो मॉड्यूल है वो आपको लेने हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल्स देखो आपको दोनों कंडीशन मिलती है। देखो पहले तो बॉटनी की अलग मॉड्यूल आते हैं और जूलॉजी के आपके अलग मॉड्यूल आते हैं, आपको दोनों क्लियर करने हैं, ठीक है। बॉटनी और जूलॉजी के अगर आप क्लियर कर लेते हो देन आपको ये दोनों पार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी का और बीएससी लेवल का। ये दोनों कंडीशन में है, हिंदी मीडियम में भी आती है प्लस इंग्लिश में भी आती है, सेम ये कंडीशन है। जियोलॉजी में भी आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगी। देखो सबसे पहले मैं काफ़ी स्टूडेंट्स के इस प्रकार का था कि थोड़ा सा एग्जांपल अगर आप दिखा सकूं, जैसे मान लो कि मैं आपको जियोलॉजी का दिखा रहा हूं, तो ये जियोलॉजी की है अपना मॉड्यूल है प्री मेडिकल जियोलॉजी और यूनिट 3rd और हिंदी में है, ठीक है। तो ये हिंदी में है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो कंटेंट है, यहाँ पर दिया है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन जैव अणु और लास्ट ईयर की जो सोल्ड पेपर है ये एक्सरसाइज दी गई है। तो यहाँ पर हर चीज़ देखो छोटी छोटी चीज़ें ये मैंने भी पढ़ी है, तो आप इस प्रकार से ये मॉड्यूल्स ले सकते हो और इनके गाइड के रूप में आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ये सबसे बेस्ट है आपके एनसीईआरटी है और चीज़ें हैं उन सबसे बेस्ट चीज़ें ये है, इसमें एनसीईआरटी प्लस आपके बीएससी लेवल की दोनों चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार की ये क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये कंडीशन जूलॉजी की है, तो जूलॉजी की ये सभी मॉड्यूल्स जूलॉजी के हैं, जैसे ये 8वीं यूनिट है, इसके अलावा ये 2nd यूनिट है, ये अलग 7 यूनिट है, ये 5th यूनिट है, ये जूलॉजी के हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको और एग्जांपल दिखाऊं तो जो बोटनी के हैं, ठीक है, यहाँ पर अपन देखिए तो बोटनी मैंने अभी बताया था कि बोटनी के अलग से मॉड्यूल्स आते हैं। तो बोटनी के जैसे मान लो ये बोटनी के मॉड्यूल्स है, बोटनी के यूनिट 5th है और यहाँ पर हिंदी के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पादपों में परिवहन खनिज पोषण
उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ये सभी चीज़ें इसमें दी गई है, तो यहाँ पर अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे चीज़ें हैं यहाँ, आप इसको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए भी आप पढ़ सकते हो और इसको डायरेक्ट भी आप पढ़ सकते हो, अंडरलाइन करके भी पढ़ सकते हो। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, यहाँ पर फिफ्थ यूनिट है, सेकेंड यूनिट है, कुछ इस प्रकार के सभी यूनिट्स आपके, फोर्थ यूनिट है, एट्थ यूनिट है, तो ये आपके अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं यूनिट वाइज। ठीक है, थर्ड यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट है और ये सेवन्थ यूनिट है, तो ये अलग से मॉड्यूल्स हैं जो बॉटनी के पर्पज़ से हैं। तो दो चीज़ें आपने देखी, एनसीईआरटी भी दिखा दिया मैंने आपको, और ये अलग चीज़ है कि इंग्लिश मीडियम में शायद, हाँ ये इंग्लिश मीडियम की मॉड्यूल्स हैं, इंग्लिश में कोई भी कैंडिडेट जो है, जो खास तौर से जियोलॉजी है या बॉटनी के जो पोर्शन को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है, तो इंग्लिश के मॉड्यूल्स भी इसके आते हैं, तो ये भी आप लोग परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये इंग्लिश के मॉड्यूल्स हैं, और ये जैसे इंग्लिश के बॉटनी का मॉड्यूल्स है, यहाँ पर देखो ये बॉटनी का मॉड्यूल है, ये भी इंग्लिश के अंदर आता है, तो ये भी आप परचेज कर सकते हो। बॉटनी और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर आती है, बॉटनी जूलॉजी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर मॉड्यूल्स आपको अवेलेबल है, सेकेंड हैंड आप परचेज कर लेना, आपको न्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे का पोर्शन थोड़ा सा अपन देखें कि आगे आपको कैसा चलना है, कि कुछ टॉपिक जो है इनमें नहीं मिलता है आपको, तो कुछ जो बीएससी की बुक्स है, बीएससी की जो बुक्स है उनको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बीएससी में भी खास तौर से मैं आपको बता दूं, देखो गाइड जो काफ़ी आती है उनमें से एक गाइड आती है सीबीएच, ठीक है, एक आती है आरबीडी, एक पीस एक और भी आती है, तो यहाँ पर जो सीबीएच की बुक है वो काफ़ी डिटेल के अंदर आपको अच्छे से मिल सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक, पहली बात तो ये है आपको सिलेबस को फॉलो करना है, आपने सिलेबस निकाला है, सिलेबस की लाइन टू लाइन आपको देखना है कौन सा टॉपिक कहाँ मिल रहा है। अगर आपको मॉड्यूल्स में भी नहीं मिल रहा है वो टॉपिक, डिटेल्स में आपको देखना है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो सीबीएच की बुक जो है वो बीएससी लेवल की आप ले सकते हो और उसमें आप उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सीबीएच की गाइड है, ठीक है, सीबीएच की बुक है बीएससी की, यहाँ पर यह है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, सबसे बेस्ट बुक है, इसमें इकोलॉजी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको, इकोनॉमिक बॉटनी जितने भी जो प्लांट्स हैं वो सभी प्लांट्स उनके कैरेक्टर, उनके बोटनिकल नाम, जैसे प्लांट फाइबर दिया हुआ है, तो सेम इसी प्रकार से हर चीज़ आपको, ये जैसे ड्रग्स वाला चैप्टर है तो इसमें ड्रग्स के छोटे छोटे दिए, जैसे मेडिसिनल प्लांट है, या पर हर चीज़ छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनके कौन से पार्ट हैं, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से ऑर्डर से है, कौन सा पार्ट यूजेबल है और कौन सी एल्कलॉइड्स इनसे प्राप्त होते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये सीबीएच की बुक है, काफ़ी बेस्ट है, ठीक है ना, इकोलॉजी के लिए। इसके अलावा एक आती है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी है आपके फैमिली, इसमें मेंशन भी की गई है, तो यहाँ पर ये भी सीबीएच की बुक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, यहाँ पर डेवलपमेंट बायोलॉजी और टैक्सोनॉमी दोनों इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये काफ़ी अच्छी गाइड है, यहाँ पर हर चीज़ आपको डिटेल्स में मिलेगी, फैमिली ले लो, चाहे इनके बेसिक करेक्टर ले लो और चाहे इनका डेवलपमेंट ले लो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो भी आपको पूरा आपको एनिमल्स का इसमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप इनकी सीबीएच की जियोलॉजी की बुक है वहाँ से कवर कर सकते हो, वो भी आप ले सकते हो। एक इसमें पोर्शन आता है एनिमल बिहेवियर का, ठीक है ना, इसी में पार्ट सेकंड में एक एनिमल बिहेवियर दिया गया है, एनिमल बिहेवियर के लिए आप ये गाइड ले सकते हो जो अप्लाइड जियोलॉजी है, इथोलॉजी है और बायोस्टैटिक्स है, ये अपने पूरा पोर्शन इसके अंदर कवर करता है पार्ट सेकेंड के अंदर। हालांकि जो ये है आपका एनिमल बिहेवियर है, इसका पार्ट मैंने पहले भी बनाया था, आप लोगों को देखा होगा लास्ट में 8 वीडियो मैंने जो है प्लेलिस्ट के अंदर वो डाल रखी है, तो वो बना भी रखी है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और ये बुक काफ़ी अच्छी है, सिंपल बुक है, बायोस्टैटिक्स भी इंक्लूड है और इसके अंदर इथोलॉजी जो है वो पूरे टॉपिक्स है, तो यहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। और भी जूलॉजी की जो बुक्स है वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो, मतलब वो बुकें भी आप ले सकते हो। ये इसके रिलेटेड मैंने जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाई हैं। रही बात पार्ट थर्ड की, ये पार्ट थर्ड की मैंने पहले भी आपको कही थी, पार्ट थर्ड के मैंने लगभग नोट्स है वो तैयार कर लिए थे, हालांकि अभी मैंने पहले वाले जॉब जो है उसको छोड़कर अभी नई पोस्टिंग ली है, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है और धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी कुछ शायद एक आध टॉपिक कोई बचा है जिसको कंप्लीट करने के बाद में जो नोट्स फॉर्मेट है वो आपको बुक्स फॉर्मेट में होगा तो बुक्स फॉर्मेट में करूँगा,
या फिर सॉफ्ट कॉपी में होगा तो सॉफ्ट कॉपी के अंदर ऐप में डाल दूंगा, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस के नाम से, तो वहाँ पर भी आपको सॉफ्ट कॉपी में डाल दूंगा। तो पीजी लेवल का मैटर वहाँ पर आप उसको डाउनलोड कर लेना, बुक फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगा और उसके प्रिंटआउट लेकर आप उसको रीड कर सकते हो। तो ये वाला पोर्शन आप मेरे पे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी आप लोग और आप समझदार हो, सभी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीके को पेपर को साथ लेकर आपको प्रिपरेशन करना है, 40% का मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। और बेसिक चीज़ें मैंने आपको सभी बता दी, कौन से गाइड्स कौन से चीज़ कैसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर अपना रेस्पॉन्स नोट करें इसमें, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों कैसे प्रिपरेशन चल रही है, कैसे आप तैयारी कर रहे हो, कहाँ से कोचिंग ले रहे हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो। छोटे छोटे चीज़ें सभी आप लोग जरूर शेयर कीजिए ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे। आज के लिए अपना वीडियो और अपनी सूचना जो कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं आप लोगों के लिए आज के लिए कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।